हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि कलयुग की शुरुआत कब और कैसे हुई। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कलयुग की शुरुआत आज से 5124 वर्ष पूर्व हुई थी। द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम चले गए थे, तब पांडवों ने वीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी में बिठा दिया और पांडव स्वर्ग की ओर चल दिए। बहुत ही छोटी सी उम्र में परीक्षित ने राजभार संभाला। ऋषि मुनियों के आदेशानुसार धर्म पूर्वक शासन करने लगे। एक दिन राजा परीक्षित अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए निकले कि मेरे राज्य में प्रजा किस तरह का आचरण कर रही है। भ्रमण करते हुए राजा ने देखा कि एक दुष्ट व्यक्ति गाय और बछड़े को बुरी तरह से मारते हुए ले जा रहा है। बछड़े को इतना मारा कि उसके तीन पैर टूट गए हैं। एक पैर में खड़ा बछड़ा कांप रहा है। गाय माता भी आंसू बहा रही है। दोनों एक दूसरे से मनुष्य भाषा में बात कर रहे हैं। बछड़ा पूछ रहा है, हे पृथ्वी माता, आपका मुख मलिन क्यों हो रहा है? आप इतना दुखी क्यों हो? किस बात की तुम्हें चिंता है? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही कि अब मेरा केवल एक ही पैर रह गया है? या फिर तुम्हें इस बात की चिंता है कि अब तुम पर अत्याचारी, निर्दयी और स्वार्थी लोग शासन करेंगे? गाय बोली, हे धर्म, तुम सब कुछ जानकर भी मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हो? भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के बाद मुझ पर घोर कलयुग आ गया है। दोस्तों, जो ये गाय है वह साक्षात पृथ्वी माता है और बैल साक्षात धर्म है। बैल जिस एक पांव पर खड़ा है वह सत्य है। बैल के जो तीन पांव नहीं है वह दया, तप और पवित्रता है। यानी कि कलयुग में न दया होगी, न तप होगा और न ही पवित्रता होगी। कलयुग में केवल सत्य होगा, वो भी अभी से कम होना शुरू हो गया है। गाय और बैल को आपस में बात करते देख राजा परीक्षित समझ गए कि ये तो पृथ्वी और धर्म है, लेकिन इनकी ये दशा किसने करी? ये सोच ही रहे थे कि इतने में एक काला दुष्ट व्यक्ति आ गया और गाय को लात मारी, बैल को डंडे से मारने लगा। ये देखते ही परीक्षित को क्रोध आ गया। परीक्षित ने कहा, हे दुष्ट पापी, कौन है तू? इन गाय बछड़ों को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरे अपराध का उचित दंड तेरा वध ही है। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर राजा ने उस पापी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाली। राजा परीक्षित के क्रोध से वह दुष्ट डर गया और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। अपनी शरण में आई इस दुष्ट को क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए राजा ने उसे मारा नहीं। राजा ने कहा, दुष्ट कौन है तू? वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम कलयुग है महाराज। राजा बोले, अरे कली, तू मेरे राज्य में कहां से घुस गया? कलयुग बोला, श्री कृष्ण के जाने के बाद अब द्वापर युग खत्म हो गया है। अब मेरा ही शासन होगा। अभी संधि काल चल रहा है। दो युगों के बीच कुछ वर्ष को संधि काल कहते हैं। राजा ने कहा, अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है कली। तू मेरे राज्य से तुरंत निकल जा और लौट के फिर कभी मत आना। इस पर कलयुग बोला, मैं कहां जाऊं? जहां तक ये धरती है वहां आपका ही शासन है। अब मुझ पर दया करके मेरे लिए कोई तो स्थान बताइए। राजा ने कहा, तेरे अंदर केवल अवगुण है। अगर एक भी गुण तेरे अंदर है तो बता, मैं फिर तुझे कोई स्थान अवश्य दूंगा। इस पर कलयुग थोड़ा खुश हुआ और बोला, महाराज, आप बड़े दयालु हैं। माना कि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक विशेष गुण भी है। अन्य युगों में जो कठोर तपस्या आदि से जो फल मिलता था, कलयुग में केवल भगवान के नाम जप से ही जीवों को प्राप्त हो जाएगा। कलयुग में भगवान को पाने के लिए कोई लंबे चौड़े यज्ञ, हवन, ध्यान, पूजा, विधि विधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जीवों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में केवल हरि नाम ही आधार है, हरि नाम से ही आपका उद्धार हो जाएगा। कलयुग के इस तरह से कहने पर राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। फिर विचार करके कहा, गुण तो बहुत अच्छा है तेरे कलयुग में। तुझे रहने के लिए चार स्थान देता हूँ। द्वित पानम हिंसा व्यभिचार। पहला द्वित, जुआ खाना, जहाँ जुआ खेला जाता हो। दूसरा मद्यपान, मदिरालय, जहाँ शराब पी जाती हो। तीसरा हिंसा, जहाँ किसी भी जीव का उत्पीड़न होता हो या जीव जंतु की हिंसा होती हो।
चौथा व्यभिचार, पर स्त्री गमन जो वैश्यवृत्ति के कार्य में संलग्न रहता हो। इन चारों स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। इन चारों स्थानों में निवास करने की मैं तुझे छूट देता हूँ। अगर यदि कोई अपना भला चाहता हो तो इन चारों स्थानों से सावधान रहना चाहिए। फिर धन्यवाद करते हुए कलयुग बोला, हे राजन, आपने ये चारों स्थान अपनी मर्जी से दिए, कृपया करके एक स्थान मुझे मेरी इच्छा से दे दीजिए। एक स्थान मैं भी आपसे मांगता हूँ। महाराज, मुझे स्वर्ण में निवास और दे दीजिए। तब परीक्षित ने पांचवां स्थान सोने में दे दिया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है धातुओं में स्वर्ण में मैं हूँ, और यहाँ पर परीक्षित कह रहे हैं कि स्वर्ण में कलयुग का निवास है। शास्त्र की ये दोनों बातें विरोधाभासी हो रही हैं, परंतु विद्वानों का मत है कि जो सोना दो नंबर की कमाई से खरीदा जाएगा उसमें कलयुग का वास है, और जो सोना ईमानदारी की कमाई से खरीदा जाएगा उसमें नारायण का वास है। तब कलयुग को यह वचन देने के बाद राजा अपने महल की तरफ लौटे तो अचानक अपने कोषागार में चले गए, जहां एक संदूक रखा था। संदूक खोला तो उसमें एक चमकता हुआ सोने का मुकुट देखा। इतना सुंदर मुकुट देखकर राजा की आंखें चौंधिया गई और उस मुकुट को सिर पर धारण कर दिया। वह मुकुट पांडवों ने जरासंध को मार कर लाए थे, फिर मुकुट को कोषागार में जमा कर दिया था। किसी भी पांडव ने उसे धारण नहीं किया था। कलयुग के प्रभाव से ही परीक्षित ने मुकुट सिर पर धारण किया, क्योंकि सोने में कलयुग को स्थान दे दिया था। मुकुट पहनते ही राजा के सिर पर कलयुग बैठ गया, जिस कारण से पहली बार शिकार खेलने का मन हुआ। अपने धनुष बाण उठाए और वन में शिकार करने के लिए चले गए। वन में शिकार खेलते खेलते बहुत आगे निकल गए, उनके सैनिक काफी पीछे रह गए। थोड़ा और आगे जाके रास्ता भटक गए, भूखे प्यासे शाम हो गई। भटकते भटकते समीक मुनि के आश्रम पहुंच गए। राजा ने आवाज लगाई पर किसी ने प्रति उत्तर नहीं दिया। अंदर जाके एक कुटिया दिखी जिसमें समीक मुनि आंखें बंद किए समाधि में बैठे थे। राजा ने फिर पानी के लिए आवाज लगाई, समीक मुनि नहीं हिले क्योंकि वो तो सच्ची समाधि में बैठे थे। राजा को लगा ये बाबा मेरे स्वागत से बचने के लिए ढोंग कर रहा है। वहीं नजदीक में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा की मति भ्रष्ट हुई, उन्होंने वो सांप अपने धनुष कोटी से उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया, फिर अपने महल की ओर चले गए। समीक मुनि तो ध्यान में थे, उन्हें तो पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन उनके पुत्र को जब ये बात किसी ने बताई कि आपके पिता के साथ राजा ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है, तब ऋषि पुत्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से सातवें दिन ही तुझे तक्षक नाक काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। तब बालक रोते रोते अपने पिता के पास गया और गले से सांप को निकालकर फेंक दिया। इतने में समीक मुनि की आंखें खुल गई। तब सारी घटना के बारे में ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने राजा को इतना भयानक श्राप दे दिया है। इस घटना से समीक मुनि बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र को दुखी हृदय से कहा, अरे बेटा, तुमने बड़ा भारी अनर्थ कर दिया है। वो हमारे राजा हैं। पूरे भारत का सौभाग्य है कि ऐसा परीक्षित जैसा राजा हमें मिला है। जब राज्य की सारी प्रजा का भाग्य उदय होता है, तब ऐसा धर्मात्मा राजन मिलता है। अब हमें ऐसा राजा कभी नहीं मिलेगा। तत्पश्चात समीक मुनि ने अपने शिष्यों को भेज के राजा परीक्षित को आगे की सारी घटना से अवगत कराया। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी परीक्षित ने सारा वैभव तुरंत एक तिनके की भांति छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ छाड़ के पश्चाताप करते हुए गंगा तट पर बैठ गए। फिर वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। भगवत पुराण सभी पुराणों का निचोड़ है, जो भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को वर्णित करता है। इसे सुनने के पश्चात परीक्षित महाराज को पूर्ण आत्मज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। पूरी भगवत पुराण सुनने के बाद राजा परीक्षित ने, आप बहुत दयालु हैं, आपकी कृपा से ही मुझे जीवन का उद्देश्य मिला है। मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, अतः मैं स्वयं को पूरी तरह से भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं भगवान के ध्यान में लीन रहकर ही अपनी देह त्याग दूं। आप मुझे आज्ञा दे। महाराज परीक्षित गंगा किनारे पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु के ध्यान में बैठ गए। तभी वहां पर तक्षक नाग ने ब्राह्मण के वेश में आकर राजा परीक्षित को काट दिया और उसी समय राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग का आगमन हुआ। तब इसी तरह से कलयुग की शुरुआत हुई। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।